उम्मीद थी कि बहुत प्रेशर वाला गेम होगा ये, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन किया भारतीय टीम ने, और मैं कहूँगा हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को पछाड़ कर एक बहुत कन्विंसिंग विक्ट्री है ये भारत की। सर, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर पूरी दुनिया में काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है अगर पाकिस्तान और भारत की बात करें, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत ही इजीली ये कहेंगे हम कि गिव अप कर दिया या इतना एक्सपेक्टेड था। नहीं, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। दो मैं शुरू से ही कह रहा था कि भारत बहुत स्ट्रांग टीम है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, तो भारत का पलड़ा भारी है। लेकिन मुझे ये बिल्कुल आशा नहीं थी कि पाकिस्तान इस तरह गिव अप कर देगा या इतनी बुरी हार पाकिस्तान को मिलेगी, क्योंकि पिछला मैच वो बहुत अच्छा मैच जीत कर आ रहे थे, तो उम्मीद थी कि उनका मोरल काफ़ी हाई होगा और वो भारत के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन करेंगे या बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है कि आज से पहले भारत ने 7 बार पाकिस्तान को हराया था, तो आज वो 8वीं बार हो गई, वो रिकॉर्ड उन्होंने इंटैक्ट रखा है। जी, की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत शानदार गेंदबाजी मैं कहूँगा भारत की रही। एक समय पर पाकिस्तान काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में था, जब 155 रन पर उनके 2 ही विकेट आउट थे, तो उस समय लग रहा था कि शायद पाकिस्तान 290 या इवन 300 भी रन बना सकता है। लेकिन उसके बाद शानदार गेंदबाजी भारतीय स्पिनर्स ने, कुलदीप ने, रविंद्र जडेजा ने और बुमराह और सिराज सभी ने बेहतरीन गेंदबाजी करके उनको रिस्ट्रिक्ट किया 191 पर। तो वहाँ पर पूरा क्रेडिट देना होगा भारतीय गेंदबाजों को कि बहुत ही सदी हुई लाइन लेंथ पे उन्होंने गेंदबाजी की और अकॉर्डिंग टू विकेट और अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉल डाला। तो बहुत, मैं कहूँगा बहुत प्रोफेशनल गेंदबाजी की भारतीय गेंदबाजों ने। जी, वहीं सर विराट करें तो विराट कोहली का को लेकर हमेशा जब भी पाकिस्तान भारत का मैच होता है तो लोगों में, खासतौर पर उनके फैंस में, काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है कि वो बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे, बहुत एक्साइटमेंट होगी उन्हें देखने के लिए। लेकिन जैसा उनका रहा, मतलब स्टार्टिंग में ही आउट हो गए कुछ रन बनाकर, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और सभी को उम्मीद होती है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना जो प्रदर्शन है उसको कंटिन्यू करेंगे, उसी तरह का प्रदर्शन रहेगा। अनफॉर्चुनेटली आज वैसा हुआ नहीं, लेकिन आज इतना मुश्किल मैच भी नहीं था, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख नहीं है इस बात का, क्योंकि एक बहुत आसान टारगेट भारत को चेज़ करना था और विराट नहीं चले, तो वो एक अफसोस की बात तो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्रूशल था कि उनको रन बनाने थे आज। बाकी रोहित ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, शुभमन ने अच्छा स्टार्ट किया था लेकिन वो आउट हो गए, श्रेयस ने अच्छी बल्लेबाजी की, तो अच्छी बात है कि सब लोग कंट्रीब्यूट करें टीम में, और जिससे बड़े मैच में जहाँ क्रंच मैच हो वहाँ पर सबको मौका मिला हो, सब अच्छी फॉर्म में रहें, तो उसके मद्देनज़र मुझे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है कि अगर आज बाई चांस रन नहीं बने तो। जी, कि आपने बात की है रोहित शर्मा की, कैसे परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप? रोहित ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की और वो बेहद शानदार फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। जैसे पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई और आज भी बेहतरीन बल्लेबाजी की, बहुत अच्छे निक में नज़र आ रहे हैं और डोमिनेट कर रहे हैं, जिस तरह वो छक्के मार रहे हैं स्टार्टिंग से, तो वो दर्शाता है कि वो बेहद शानदार फॉर्म में हैं। जी, कोई खिलाड़ी जिसकी जो उभर कर आया इस मैच में, अगर इंडिया की तरफ से बात करें? इंडिया की तरफ से अगर आप बात करें तो मैं कहूँगा कि कलेक्टिव ही सब, कलेक्टिव यूनिट की तरह भारतीय टीम खेली और सबने ही कंट्रीब्यूट किया है। अगर आप पांचों भारतीय गेंदबाजों को देखें तो सबने अच्छी गेंदबाजी की, वहीं बल्लेबाजी में भी सभी अच्छी निक में लग रहे हैं, तो ये अच्छा लग रहा है कि एक पूरी टीम एक अच्छे ही फॉर्म में है और अच्छे राइट टाइम पर पीक की है, जहाँ पर किसी भी वो बड़ी टीम के लिए भारत एक थ्रेट बन गया है। मुझे लगता है सभी समझ रहे हैं कि भारत एक फेवरेट है ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए। जी, विराट कोहली करेंगे सर, क्योंकि उनके फैंस काफी इंतजार कर रहे थे, तो आगे कैसे आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड कप में आप? देखिए, विराट शानदार फॉर्म में है, जैसा कि उन्होंने दिखाया पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। काफ़ी कठिन परिस्थिति थी जब 2 रन पर 3 विकेट आउट हो गए थे, तो उन्होंने जिम्मेदारी ली जिसके लिए वो जाने जाते हैं मैच जिताने में के लिए, तो उससे अगले मैच में भी वो 50+ रन बनाकर 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे, तो ये दर्शाता है कि वो एक शानदार निक में है, अच्छी फॉर्म में है, और आज आउट हो गए तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, कभी कभी वो भी आउट हो सकते हैं, तो लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो शानदार फॉर्म में है और एक मतलब मजबूत स्तंभ की तरह वो
भारतीय बल्लेबाजी के लिए खड़े रहते हैं और वो मुझे पूरी आशा है कि आने वाले मैचेस में भी ऐसे ही करेंगे। जी, आप उनके कोच भी रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, जो उनकी सेंचुरी है क्या वो हो पाएगी, क्योंकि 75 टेस्ट मैचेस को लेकर है, वनडे को लेकर कुछ 47 है। देखिए, विराट एक ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलता। अगर 100 बनेगा तो सभी देशवासियों के लिए खुशी की बात है, मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है, उसको भी बहुत खुशी होती है। लेकिन एज लॉन्ग एज वो भारत को मैच जिता रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेंचुरीज से। जी, वही क्या आपकी इस वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले सकते हैं या आगे क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे पूरी आशा है कि विराट अगला वर्ल्ड कप ज़रूर खेलेंगे।